बच्चों हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले इसकी पहचान देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और तो आइए देखते हैं, तो इसकी पहचान क्या है। तो पहचान, मैंने सुविधा के लिए, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब कहते हैं, इसमें दो कार्य साथ साथ भी होते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। जैसे इसमें दो कार्य साथ साथ चलता है, जैसे उसके आने से पहले वह जा चुका होगा, ठीक, उसके आने से पहले ये दूसरा टेंस हो गया, और वह जा चुका होगा ये दूसरा टेंस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, दो दो कार्य साथ साथ चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, आइए हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल है, सबसे पहले हम जो कार्य कंप्लीट होगा, मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान में, जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा विल और शैल आता है, विल और शैल, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल शैल, फिर उसके बाद इसमें हैव लगाएंगे, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर लगाएंगे, जो पहले से आता है, के पहले आता है, दोपहर के पहले, दोपहर के बाद, तो इस तरह से हम बिफोर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। आप कहेंगे बार बार सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है सब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट फिर लिखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखेंगे, ठीक। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। तो देखिए पहला सेंटेंस है, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। मैंने आपको बताया था चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हूँगा, ये शब्द आता है। तो मैं अपना कार्य काम समाप्त कर चुका हूँगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें केवल एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य है। तो पहले मैं आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, आई मैं का आई होता है, आई के साथ सेल लगता है, तो आई सेल सेल हैव, आई सेल हैव, ये सेल हैव ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, समाप्त करना, तो समाप्त करने का होता है फिनिश, फिनिश उसमें ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई सेल हैव फिनिश्ड क्या, अपना काम, तो आई सेल हैव फिनिश्ड अपने के लिए, जब आई होता है तो उसका पार्टिसिपेस माई होता है, आई सेल हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम निबंध लिख चुके होंगे, हम निबंध लिख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम की अंग्रेजी, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है, वी के साथ भी सेल लगता है, तो वी सेल हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब में आती है, विल सेल हैव, विल सेल, और ये विल सेल हो गया, हैव हो गया, यानी कि विल विल और हैव, सेल हैव, तो वी सेल हैव लिख चुके होंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो वी सेल हैव रिटेन क्या लिख चुके होंगे, निबंध, तो निबंध का एसे होता है, एसे, कितना आसान है। तो आइए देखते हैं, हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब आसान ही हो जाएगा। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे घर आने से पहले, मेरे घर आने से पहले, ये देखिए अब इसमें दो सेंटेंस आ गया है, जो मैंने आपको बताया था, मेरे घर आने से पहले वह जा चुका होगा। तो सबसे पहले, पहले के बाद वाला सेंटेंस करते हैं, पहले के बाद से उठाते हैं, जैसे ये पहले है तो यहाँ से हम उठाएंगे, ये काम सबसे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले हुआ है, मेरे घर आने से पहले, वो अभी आया नहीं है, देखिए इसमें लिखा है, एकदम क्लियरली लिखा है, मेरे घर आने से पहले वो आया नहीं है, वह जा चुका है, यानी कि वह जा चुका है, अभी वो आया नहीं है। तो जो काम सबसे पहले हुआ है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो वह जा चुका होगा, तो क्या लिखेंगे हम, ही के साथ विल लगता है, ही विल हैव
गॉन, गॉन मतलब जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। अब प्लेस का नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। अब इसके बाद हम जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम बिफोर लिखेंगे, पहले की अंग्रेजी लिखेंगे, बिफोर हो गया। अब यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएंगे, मेरे घर आने से पहले, मेरे मेरे आपको लग रहा होगा पॉसेसिव केस, लेकिन यहाँ पे हम नॉमिनेटिव केस लिखते हैं आई। मेरे घर आने मतलब आई कम होम, आई कम होम ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर आई कम एट होम ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके खाना खाने से पहले बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। तो सेम कंडीशन वही है, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे तो होगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन है तो विल लगेगा, चिल्ड्रेन विल हैव स्कूल जा चुके होंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, विल हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल हो गया। अब हम बिफोर लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं बिफोर उसके, उसके मतलब ही, उसके खाना खाने से पहले, तो ही ईट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस लगता है, ही ईट्स फूड। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। जैसे इसमें बाद का सेंटेंस नहीं होता, जैसे लिखा रहता है पहले या बाद में, तो बाद इसमें नहीं होता क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। तो पहले, पहले के बाद से उठाएंगे, चपरासी घंटी बजा चुका होगा अभी अध्यापक के पहुंचने से पहले, यानी कि अभी अध्यापक स्कूल नहीं पहुंचे हैं कि चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो क्या लिखेंगे, द प्यून विल हैव रंग, रंग मिस होता है बजाना, रंग द बेल, बेल मतलब घंटी, घंटी बजा चुका होगा। अब पहुंचना, अब पहले लिखेंगे बिफोर, बिफोर लिखेंगे उसके पहले हम अध्यापक लिखेंगे, अध्यापक के पहुंचने से पहले बिफोर टीचर, ये ई समझिएगा, बिफोर टीचर स्कूल, अब पहुंचना तो बिफोर टीचर रीचेज, एक टीचर है इसलिए यहाँ पे रीचेज होएगा, बिफोर टीचर रीचेज, अध्यापक के पहुँचने से पहले बिफोर टीचर रीचेज कहाँ पहुँचेंगे, स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। बच्चों अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।